हाय गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट करना मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे तो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो एपिसोड भी अच्छे लगेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें एरी को दिखाया जाता है जो कि हाथ में एक पैकेट लेके बैठी होती है और तोमोया को देती है। तोमोया निकाल के देखता है तो उसमें एक गेम कैसेट होता है और एरी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती है कि तोमोया को कैसी लगी होगी। तो अगले दिन तोमोया एरी को वो कैसेट लौटा देता है और तभी एरी तोमोया के लिए उस गेम के फेवरेट कैरेक्टर का ड्राइंग बना रही होती है। तो आसपास के लड़कों को देख के काफ़ी ज़्यादा तोमोया से जलन हो रही होती है। खैर, ये एरी सोच रही थी मन में और तभी वो मायूस सा चेहरा करके खड़ी होती है और आसपास की चीज़ों को देखने के बाद वो बालकनी में जाती है। बालकनी में जाने के बाद वो कहती है कि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और यहीं पे ऑफिस वर्क शुरू हो जाता है। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कातो सामान लेके आती है और कहती है कि हमारे सर्कल में वैसा ही काम हो रहा है जैसी बात हुई थी डिज़ाइन की। तभी तुम्हें कहता है कि हाँ कातो, हम तुम्हें वैसी हीरोइन बनाएंगे जैसी हीरोइन की बात हुई है। तभी कातो तशी जिन की तरफ देखती है और कहती है, क्या यहाँ पे ऐसा ही काम हो रहा है तो मुझे बताओ उसके कपड़े क्यों नहीं हैं। तभी तुम्हें कहता है कि कातो उसकी तरफ मत देखो, वो एरी की मैनुअल स्क्रिप्ट है जो कि उसके सर्कल का काम है। एरी बोलती है, माफ़ करना कातो, पर मुझे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। कातो कहती है, ऐसा क्या, सुनने में तो ये काफ़ी अजीब लगता है, पर क्या विंटर में भी स्टार ऐसी चीज़ों के होते हैं। तभी तुम्हें कहता है, कल देख लेना। कैतो कहती है, क्या। तुम्हें कहता है, कल ये कॉमिक पूरी बन जाएगी, तुम देख सकती हो। कैतो कहती है, क्यों ना इस बुक को तुम प्रिंट करा लो। सावमोरा कहती है कि 3 दिन में ये काम कर पाना मुश्किल है और हम वैसे भी बहुत मेहनत कर चुके हैं। तभी क्यों तो कहती है, पर फिर भी। तभी तुम्हें कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, प्रिंटर हमेशा खाली होता है और उसके आसपास कोई नहीं भटकता। तुम सोच के देखो, तुम ऐसी चीजें प्रिंट कर रहे हो और ये क्या पब्लिक प्लेस में सेफ है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना बेकार है। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं लास्ट मिनट तक तुम्हारा साथ देने वाला हूँ सावमोरा। सावमोरा कहती है कि मेरे ऑथर ने मेरे को मैनुअल स्क्रिप्ट काफ़ी देरी से दी है। कैतो कहती है कि कॉमिक आ चुकी है। तुमोया कहता है कि हाँ हाँ आ चुकी है, पर तुम्हें पता है इस साल विंटर में काफ़ी ज़्यादा कॉमिक मार्केट में भगदड़ मची हुई है, तो मैंने अपनी डेटिंग सिम को एक स्टोरी से मर्ज कर दिया ताकि डेटिंग सिम के सेम समय में जब ये स्टोरी सेल होए तो सेल होने में सबसे ज़्यादा सेल करने वाला डायरेक्टर का नाम आए तो तोमोया कुन आकी का आए। तभी क्यों तो सावमोरा से बोलती है, क्या तुम नहीं आओगी। सावमोरा कहती है, ये काम मैं घर पे अपनी टेबल पे नहीं कर सकती, पोर्नोग्राफिक वाली चीज़ें मेरी टेबल पे पड़ी हो तो ये अच्छा नहीं लगेगा। क्यों तो कहती है कि इजुमी चान ने मुझे टिकट दी थी आने के लिए, मैं चाहती थी कि तुम भी आओ। और तोमोया कहता है कि लिटिल लव रिप, हाँ मैं उसे देख के काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर वो काफ़ी अच्छी है। क्यों तो कहती है, पर वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती। तोमोया कहता है, मैं नूडी गर्ल्स को अच्छे से जानता हूँ कि उन्हें 18+ बुक्स पसंद है और लिटिल लव रिप रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्यों तो कहती है, पर ये नूडी क्या होता है तोमोया। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यों तो और तोमोया गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पे क्यों तो कहती है, इसे कैसे खेलना है मुझे कुछ खास नहीं पता, इजुमी चान ने मुझे बस ये दे दिया, पर मुझे लगता है इसे खेलने में मज़ा आएगा। तोमोया कहता है, क्या ये 3 है। क्यों तो कहती है, मुझे नहीं पता ये है क्या, और 3 कैरेक्टर हैं, मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ मुझे ये भी नहीं पता, क्या तुम बता सकते हो तोमोया। तुम्हें मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खुद खेलो ताकि तुम मेरी डेटिंग सिम खेलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ओटाकू बनो। ओ यस। तभी क्यों तो अपना ओरिजिनल नाम लिख देती है और तुम्हें कहता है, वत्ता तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मैरिज फ्रीम नहीं हो रहा कि तुम अपना असली नाम लिख रही हो। क्यों तो कहती है, क्यों ये गलत है आकी। तुम्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और तभी वो एरी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ। एरी कहती है, क्या। तुम्हें कहता है, क्या तुम्हें काम नहीं करना। तभी एरी कहती है, हाँ हाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रेक ले रही थी। तुमोया कहता है, अच्छा कोई बंदा स्क्रिप्ट बना के दे तो तुम्हें उसकी स्क्रिप्ट बेकार लगती है जैसे कि मैं, काम तो कर नहीं रही। और तभी क्यों तो उससे तुमोया कहता है कि तुम एक कैरेक्टर को ध्यान से चुनना क्योंकि आगे जाके बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं। क्यों तो कहती है, मैं टाइम पास के लिए खेल रही हूँ तो मुझे पता है तुमोया। फिर क्यों तो एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करती है जिसका नाम सिर्वस होता है।
एरी कहती है वो प्लेट काफी ज्यादा स्पेशल है, मैं बता नहीं सकती। तो मोया तभी कहता है, हाँ एरी मैं जानता हूँ कि तुम सिल्वर्स की बहुत बड़ी फैन रह चुकी हो। तभी वो कैरेक्टर कहता है, क्या तुम मेरे साथ फायरवर्क्स हमेशा देखना चाहती हो? तभी क्यों तो कहती है, मैं क्या करूँ तुम मोया? तो मोया तभी कहता है, तुम अपने दिमाग को बदल के थोड़ा बड़ों की तरह सोचो। क्यों तो कहती है, हम तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हम बड़ों की तरह कैसे सोच सकते हैं? तुम बताओ ना एरी। एरी तभी रो रही होती है, कहती वो बचपन के तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो, उसे हाँ बोल दो। और तभी तो मैं कहता, क्या? वो कहती माफ करना पर मैं फीलिंग्स में खो गई थी। और नेक्स्ट सीन में तो मोया कहता है कि दोशीजिन तुम्हें काफ़ी अच्छी ड्राइंग करनी आती है साओमोरा, तुम प्रोफेशनल्स की तरह करती हो। तभी साओमोरा कहती है, इसी आर्ट की वजह से तो मेरे को कई सारे इवेंट में जाने का मौका मिला था, पर मैं कभी गई नहीं। तो मोया कहता है, अच्छा, योरी की बात को सोचता है। और तो मोया कहता है, क्या तुम बिगेनर बनना चाहती हो साओमोरा? अगर तुम बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तभी साओमोरा आती है और कहती है, खैर छोड़ो, मेरे को टाइगर के सारे इवेंट का पता है, इस गेम को खेले हुए 8 साल बीत चुके हैं पर ये फिर भी वैसा है। तो मोया, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो मोया कहता है कि हाँ, ये गेम मैंने तुमसे उधार ली थी और ये काफ़ी अच्छी है। साओमोरा कहती है, पर तुमने ये गेम कभी मुझे रिटर्न नहीं की। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हारे सर्कल में आ चुकी हूँ। खैर मैं सोच रही हूँ कोई जॉब पकड़ लूँ, पर वो जो लड़की है ना, वो पैसे देने में थोड़ी कंजूसियत करती है। और तुम्हें वो भी मांगा याद है? तुम्हें कहता है कि पास्ट की बातें मुझे याद मत दिलाओ। इतने में क्या तो आ जाती है डिनर लेके, और साओमोरा देख के कहती है कि मुझे लगा नहीं था क्यों तो तुम्हें डिनर बनाना भी आता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोया क्योतो से कहता है, जल्दी चलो क्योतो, पर भागना नहीं। क्योतो तभी कहती है, जरा पीछे देखो तोमोया। तोमोया पीछे देख के कहता है कि हाँ मैं जानता था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ये लोग चाहते हैं यहाँ पे बुक्स खरीदना, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। क्योतो कहती है, हाँ मुझे भी लगता है। तभी इजुमी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है तोमोया को देख के और उसे गले लगा लेती है, और साथ ही साथ वो भी लग रहे होते हैं, तो मोया काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तभी इसुमी बोलती है कि ओह, तोमोया की गर्लफ्रेंड भी यहाँ आई है, थैंक यू सो मच। तभी क्यों तो कहती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तोमोया कहता है, प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलो, आसपास के लोग क्या सोचेंगे। इसुमी कहती है, तुम यहाँ पे आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और थोड़ी सी देर की ही बात है कि एंट्रेंस भी खुलने ही वाली है। क्यों तो कहती है कि पूरा दिन यहाँ बैठ के काफ़ी मुश्किल होती होगी ना। तुम्हें कहता है, क्यों तो कहती है, क्या मैंने कुछ गलत बोला तुम्हें? तुम्हें कहता है, ज़रा तुम सामने देखो, हमारे सामने जो सर्कल है 1000 कॉपीज लेके आए हैं, और जब वो सेल करेंगे तो वो 10 मिलियन रियल्स कमा चुके होंगे। तभी इजुमी बोलती है, मैं तो सिर्फ 100 कॉपी ही बेचना चाहती हूँ। तुम्हें कहता है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर कॉपीज बेचने ही आए हैं। तभी इजुमी कहती है, पर मैं चाहती हूँ जो लोग मेरी डिसीजन पढ़े वो उससे पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में कुछ इंस्पायर होए। तुम क्या सोचती हो क्योतो? क्योतो कहती है, तुम्हारा कहता है, तुम्हारा रिएक्शन कैसा बना रखा है क्योतो? तभी इसुमी कहती है, मुझे देशीजिन बनाए हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे और बनाते रहना चाहिए, पर अपने सर्कल का काम पूरा करने के चक्कर में मैं यहाँ पूरा दिन टेबल पे खाली बैठी रहती हूँ और पूरा दिन एक भी सेल नहीं होती। खैर मैं घर जाके रोती भी नहीं हूँ इस बात को लेके। इस चक्कर में यहाँ पूरा दिन बैठने पे मैं आसपास के कॉर्नर में इवेंट में भी नहीं जा पाती। तभी क्यों तो कहती है, आज तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। तभी इजुमी कहती है, शुक्रिया मिस गर्लफ्रेंड। तभी तोमोया कहता है कि इजुमी, तुम्हें डिसीजन बनाए हुए कितना टाइम हो चुका है? इजुमी कहती है कि सिर्फ 1 ही साल हुआ है तोमोया। तोमोया कहता है, क्या तुम चाहती हो इन सबको सेल कर दिया जाए? और तभी नेक्स्ट सीन में तोमोया भागते हुए कहता है कि ये जो डिसीजन है ये काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की है। इजुमी क्योतो से पूछती है कि तुम्हें कहाँ गया होगा? क्योतो कहती है, मुझे नहीं पता, और तुम्हें आ चुका था लैपटॉप पे देखने। खैर वो प्रिंटर से प्रिंट करता है और एक बहुत बड़ा बैनर ले आता है। तुम्हें कहता है कि ये कितनी कॉपीज हैं? इजुमी कहती है कि ये 30 कॉपी है। तुम्हें कहता है, जल्दी से इसे 70 करो क्योंकि हम वो सारी बेचने वाली है। इजुमी उस पोस्टर को देख के हैरान होती है, कहती है, इतना मैसिव सा पोस्टर तुम क्यों लिया है? तो मोया कहता है, ये झूठ तो नहीं है, इसे सेल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं जानता हूँ इस सीन पे सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। इसुमी तभी कहती है कि इस सीन के बाद तो देशी जिन खत्म हो जाती है और दूसरा पार्ट बनाने पे तो डेडलाइंस निकल जाएगी मेरे को। तो
तुम्हें कहता है मैं जानता हूँ तुम तब तक बना लोगी। तभी इसुमी कहती है क्यों तो कहती है कि इस सीन पे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट हुई थी, पर ये काफ़ी अच्छा है। इतने में एक बंदा सामने आ जाता है और कहता है क्या मैं एक बुक ले सकता हूँ, और वो बुक लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद इजुमी की सारी बुक सेल हो जाती है और वो कहती है माफ़ करना सभी, पर हमारे सारे सेल बिक चुके हैं। जिसके बाद एरी बाहर निकलती है और तुम्हें तभी एरी को आवाज़ लगाता है। एरी, मैं जानता था कि वो तुम ही थी, है ना एरी? तो बताओ तुम्हें इजुमी की बुक कैसी लगी? तभी साहुमोरा उस बुक को छुपाने लग जाती है। तो मोया कहता है कि अगर तुम्हें आना ही था तो हमें भी बता देती, तुम हमें बताए बिना आ गई, तुम्हें मैरिज फील नहीं हो रहा क्या? कुछ बात को लेकर परेशान हो रही हो एरी? तभी एरी तो मोया को बुक दिखाती है और कहती है क्या तुमने पढ़ी है? तो मोया कहता है तुम्हारे हाथ में है तो मुझे उम्मीद है तुमने भी पढ़ी होगी, तो बताओ कैसी है? एरी कहती है ये काफ़ी अच्छी है, क्या तुमने ये सारे सेल कर दिए? तो मोया कहता है कि हाँ इजुमी चांग काफ़ी अच्छी है और वो शिफ्ट होके अभी यहाँ आई है। तभी एरी कहती है तुमने कभी भी मेरे आर्ट वर्क पे ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, तुमोया तुमने कभी भी उन्हें सेल करने की कोशिश नहीं की। तुमोया कहता है पर तुम्हारी बुक और उसकी बुक्स डिफरेंट है, देखो उसकी बुक जो है वो रियल लाइफ के जॉनरा पे है। तभी एरी बोलती है पर तुम किसकी बुक सेल करना चाहोगे तुमोया, ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, क्या तुम मेरी बुक सेल करने के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हो? तभी तुमोया कहता है कि तुम्हारी बुक जैसी है वो मेरी मदद के बिना भी बिक जाएगी। तभी एरी कहती है तुम्हारा जो जवाब है तुम मुझे हर दिन देते रहे पर ये मेरा असली जवाब नहीं है तुमोया, और रोते हुए चली जाती है। खैर उन दोनों को क्यों तो ऊपर से देख रही होती है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद है तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने एक्सपेक्टेशन क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, हाँ एक्सपेक्टेशन मुझे कमेंट के नीचे ज़रूर बताना। खैर ये फनी हो गया पर कोई नहीं, उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने एक्सपेक्टेशन मुझे ज़रूर बताना। चलो मैं चलता हूँ और अगले एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय।